बस फटाफट बता दे क्या खुश कर ये देखे ना, हमें इतना खुशी है इतना कि हमें जो है ना वो हम समा नहीं सकते, इसने इसलिए बोला है कि सबको बांट देते हैं। तो आपका हिस्सा जितनी बनता है आपको देते हैं, फिर हम चलते बनते हैं। है इधर तिलकार आ रहा था, मैंने सोचा जाकर देखूं क्या हो रहा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो वैसे ठीक है, मजे में माशाल्लाह, हम बिल्कुल ठीक है यार, मजे में अल्हम्दुलिल्लाह। मेन गेट असगर भाई वालों का सूखे सूखे सी लकड़ियां पड़ी हैं और ये भी बड़ी अजीब सी लग रही हैं। ये देखिए, आज मोहल्ले में काफ़ी सन्नाटा सा है, जैसे हमारे गाँव में हुआ करता था। मतलब इस टाइम को थोड़ी खामोशी हो जाया करती थी और हम जाते थे स्कूल में जाकर वहाँ पर खेलते थे वॉलीबॉल। ये वही निज़ाम असगर भाई वालों के घर से स्टार लिया है व्लॉग, इसका एक रीज़न है। मैं यहाँ पर गया था, मुझे पता चला है कि थोड़ी खुशखबरियाँ आने वाली हैं, तो वो मैंने सोचा कि थोड़ी डिस्कस कर लूँ क्या खुशखबरियाँ हैं क्या नहीं हैं वगैरह वगैरह, ताकि मैं आगे फिर अपने बहन भाइयों को भी बता सकूँ। तो जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। उसके बाद हम चलकर मज़ेदार वीडियो की जानेब, लेट्स गो। ये क्या है? ये है सीमेंट, ये पड़ी रही, बहुत पुरानी हो गई है ना, तो इस वजह से इसका ये हाल हुआ पड़ा है, बहुत सख्त हो गई है ये। अब ये बन गया लोहा, अब इसको तोड़ेंगे कैसे? इसको ऐसे ही फेंकना पड़ेगा, है ना? अच्छा चलो खैर है। देखो यार किधर लुका हुआ ये लड़का, यार किधर हो? इधर लुका हुआ है यार, मैं देख लूं किधर है। इधर तो नहीं है, इस रूम में भी नहीं है। किस रूम में लुके हुए हो? अच्छा मैं ढूंढ लूं किधर है ये लड़का, चेक करूं। इधर इधर नहीं है, इधर ये इधर भी नहीं है, इस इधर किधर हो? लुके हुए हो? किधर यार लुका हुआ है ये लड़का? वो इधर से आ रहा है, हंसी इधर से आ रही है, ये मुझे लगता है कि इधर है, इधर है, इधर है, इधर ये खड़ा है। इधर लुके हुए थे ऐसे, मैं आवाजें लगा रहा था सिद्दीको, आप इधर लुके हुए थे, मैं पता है किधर ढूंढ रहा था, उधर किचन में ढूंढ रहा था यार। आप तो आप हो बड़े तेज, इधर नहीं लुको आप, ठीक है? मैं वैसे मुझाई हुई थी मूंज, मैंने कहा मैं अपने बेटे को ढूंढ लूं ये किधर है, पता चला ये तो इधर खड़ा हुआ है। वाह भाई वाह, ओके करो, सही सही ओके करो यार, सीधे वाला ओके हो गया। व्यूअर मैंने आपको बोला था ना असगर भाई के घर से मैं होके जा रहा हूँ, तो एक छोटी सी बात है, खुशखबरी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन यार झटका तो वाला लगना चाहिए ना कि यार ये तो बड़ी सी बात है, छोटी कैसे होगी? तो एक छोटी सी खुशखबरी बताने वाला हूँ आपको, और वो ऑलरेडी असगर भाई और भाभी और मुअज्जम और सारे लोग माशाल्लाह इधर पहुँच चुके हैं। कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? बड़े बड़े खुश लग रहे हो, क्या हो? मुझे भी लगता था, और मैं ये जिक्र करने वाला था, आप ही बता दें बस फटाफट बता दें कि क्या खुश। देखे ना हमें इतना खुशी है इतना कि हमें जो है ना वो हम समा नहीं सकते, इसने इसलिए बोला है कि सबको बांट देते हैं। तो आपका हिस्सा जितनी बनता है आपको देते हैं, फिर हम चलते बनते हैं, क्योंकि खुशखबरी ऐसी है कि मज़ा मलिक की जो है ना शादी आ रही है इसी महीने के एंड में बराए मेहरबानी फरमा। यार शादी कम अज कम ज्यादा नहीं तो कम अज कम डेढ़ महीना पहले बताना था, पड़ा हुआ है यार, महीना पड़ा हुआ है, किधर ये गुजरते हुए देर भी नहीं होती, इसलिए कह रहे हैं कि अपनी जो तैयारियां पकड़ो। चलो मैं तैयार हूँ, आ जाओ जी चले। चलो आ चले। हाँ। ये तैयारियां करते रहेंगे, हम चलते हैं सुबह वाली गाड़ी पे, नहीं वो कौन सी मूवी थी सवेरे वाली गाड़ी, उस पे चलते हैं, ठीक है? चले जी मेहरबानी, इंशाल्लाह हम जरूर कोशिश करेंगे
कि आएंगे, हमारा सफर तो नहीं है, कोशिश करने नहीं, कोशिश मतलब शॉपिंग की कर रहा था लेकिन बात इधर चलेगी, हमने तो वगैरह भी और रात को जो माहौल बनेगा वो भी। अच्छा जब वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे। ठीक हो गया, बड़ी मेहरबानी। देख रहे हैं वैसे शायद बच्चे का है प्रॉब्लम, वो टेंशन थोड़ी बनी है, अल्लाह पाक हम ज्यादा नहीं कर रहे, जैसे वो ठीक हो के अल्लाह पाक के बाद है, जैसे बच्चा ठीक हो कर ले आएंगे उसको तो हम ये शुरू करेंगे। चले सही हो गया, जबरदस्त बेस्ट। ओके जी, अल्लाह हाफिज। व्यूअर इधर तिलकार आ रहा था, मैंने सोचा जाकर देखूं क्या हो रहा है, अभी पता चला वो तेरी खैर। वो यार पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ अल्लाह के बंदे, इधर गरम घी आता है। ये देखे जी आज तैयार हो रही है चिप्स, वाह जी वाह, मजे करेंगे। मज़ा इधर पहुंचा हूं तो यहां पर ना थोड़ी बहुत ही जल रही थी कुली, तो मैंने सोचा कि इसको ना थोड़ा ये लगा दूं चम्मच ताकि ये जल ना जाए। ठीक है, ये देखिए माहौल क्या हो गया है, काली काली हो गई है इसमें बीच में से। चलिए मैं इसको सीधा कर लूँगा, चटनी ना कोट दूँ मैं इसकी। बार इधर मैं जैसे पहुंचा ना, ये देखें यार लगाओ क्या कर रहे थे यार, ये जल रही थी इसीलिए लगाया। मैं यही तो आपको बोल रहा था कि ये जलने वाली है, अब मैंने इतना मारा अब आप मारे हो, इसका कचूबर हो जाएगा। नहीं मैंने तो अभी वीडियो स्टार्ट किया, पहले मैं जब इधर आया तो कोई भी नहीं था, आप हिला रहे थे, मोबाइल से आया था। ठीक है ना, मैंने आपको देखा था इसीलिए, वो भी बगैर वीडियो के, ऐसे कोई बात नहीं ना, अगर अफजल भाई पका रहे तो जायका डबल हो जाएगा। हाँ कुछ मैंने पकाया कुछ इसने पका दिया है माशाल्लाह। अब मैं थोड़ा सा चमचा ला देता हूँ, तीन चार जायके मिल जाएंगे, फिर वो ना जायके नहीं मिलेंगे, ये मिल जाएगी आपस में, दाल बन जाएगी। चलें जी, आप ठीक हैं, तबीयत से ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? ठीक, यूनिफॉर्म मिल गए अभी? नहीं मिले, मिल गए हैं लेकिन उसने जब यूनिफॉर्म ना कहता है बटन नहीं ये है वो है, एंड पे कहता है जी अब्दुल रहमान की जो है ना पैंट नहीं है, वो जो है ना कल मिलेगी मैं आपको। मैं तो आपने पहले बताना था, इतनी देर बैठाया हमें, हमने कहा देते हैं नहीं वो पहुँचा के जाएगा ना, मैंने कहा आप पहले बताते हैं और फिर बात करेंगे। इधर देखे माशाल्लाह, आपने किसको उठाया हुआ है, कौन है, कौन है आप? सुना है सिस्टर कैसी है, ठीक है? तो जैसे ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह, गाड़ी का कोई बात नहीं, बंद कर देता हूँ, अजाने हो रही है वीवर, तो अभी चलते हैं घर। ठीक है अब्दुल भाई, घर जाए मस्जिद, मस्जिद घर तैयारी वगैरह बना के फिर मस्जिद चले जाएंगे। ओके अल्लाह हाफिज। ओके बेस्ट ऑफ लक। व्यूअर थोड़ी देर हो रही है, मैं स्पीड के साथ आपको लकड़ियां दिखाता जाऊंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा। मौज़म आ रहा है, रोटी लगवाने जा रहा है, मुझे देख के मुस्कुरा रहा है, थोड़ा थोड़ा हंस रहा है, बल्कि फुल हंस रहा है क्योंकि उसकी शादी हो रही है। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। किधर जा रहे हो? रोटी लगाने के लिए होटल पे रोटी खाते हो? होटल वाली रोटी खाते हो? हाँ जी। वाह जी वाह, आप किधर जा रहे हो? वाह जी वाह, मेरे मेरा आटा आपका नहीं। कितने पैसे लेता है? पाँच रुपए एक रोटी का। सौ रुपया एक रोटी का? पाँच रुपए एक, मतलब दस रोटियों का सौ रुपया? हाँ जी। चुप कर आप भी। हाँ जी बताओ, दस रोटियों को कितना लेता है? सौ। सौ, इसका मतलब दस दहा के तो सौ हो गया, मतलब दस रुपए एक रोटी के। हाँ तो फिर तो सौ रोटी जो पके, सौ रुपया जो लेगा वो बीस रोटियों को लेगा, आपने दस का बोल दिया। वाह यार पढ़े लिखे, जाओ जी जाओ, इनको आता नहीं है, मुझे बताते नहीं है। वेवर घर में जैसे पहुंचा हूं, यहां पर ऊपर ऊपर उजाला है लेकिन नीचे नीचे अंधेरा है, तो इसको बल्ब को जलाते हैं। यार वो किधर है? क्या? वो नहीं होता कंघी, ये पड़ी है जी कंघी, इसका लेने का एक रीज़न भी है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हमेशा
कंघी के साथ ही ऐसे जो बोर्ड लगे होते हैं इनको ऐसे चलाना होता है। ये चल गया, ठीक हो गया, इससे करंट लगने का खतरा बिल्कुल नहीं होता। ओके, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं और इधर ये वाला इसको चलाते हैं, एक दो तीन, वो चल गया। आज नहीं वो नहीं चलाना, ये बस ये वाला चलाना है, ये वाला अंदर वाला, ये एक दो तीन, चल गया। वाह जी वाह। नहीं बस, तो व्यूअर ये एक बस ये वाला बल्ब नहीं जलाया क्योंकि इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, वो किचन में काम हो रहा है ना, तो उधर की जो लाइट है वो सीधी किचन में जाती है, और ये वाला बल्ब उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं जब मतलब कोई मेहमान वगैरह पहुंच जाए या फिर खाना वाना खाना हो, तो ये दोनों जला देते हैं, वो वाला भी ये वाला भी दोनों फुल हो जाते हैं। व्यूअर भागते हुए पहुँचा हूँ शॉप पर क्योंकि एक तो दूध लेना है, दूसरा ये कि वो लेना है चाट मसाला नहीं होता जो चिप्स के ऊपर वगैरह वगैरह वो जो होता है वो ले लेते हैं, और साथ में दूध वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद बस हमारा और खासा कोई काम है तो नहीं, वही बहुत है, यही होता है, ये ऐसे ऊपर दाल खा सकते हैं, खा सकते हैं। चलो सही हो गया, मैंने कहा शायद ये कुन्नी में इसको डालते हैं, कुन्नी हाँ मतलब हांडी में, हांडी वाली चार मसाला, चले एक दे दो, होता कितना है, होता कितना है, 2 ग्राम 16 2 3 3 4 ग्राम का, कहने का मतलब ये है कि इसमें तादाद देख लूँ। हाँ ये बहुत है। अच्छा दूध दे दो 100 रुपये का, ये कितने का है, 30 रुपये का, फिर 70 का दूध दे दो, 100 पूरा कर दो। इधर बकार ना अभी जा रहा है ट्यूशन से वापस अभी, ठीक है, और वो ले आता था लेकिन असल में मैंने उसे सारी ड्यूटियाँ इसलिए दी हुई हैं, हम तो चले जैसे कैसे लाइफ को गुजार रहे हैं, ठीक है, मुश्किल थी आसानी थी जो भी था, घर नहीं था वगैरह वगैरह, जो कुछ भी था हमने अल्हम्दुलिल्लाह गुजार ली, अब उन्होंने करना है, हम ये नहीं कह सकते कि देखें हम इकट्ठा कर रहे हैं अपनी औलाद के लिए, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं फलां कर रहे हैं, नहीं, जो उसके नसीब में होगा अल्लाह पाक ने उसके लिए लिखा है, लेकिन हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमने उनको उनका हक देना है, जो चीज़ वो नहीं समझते, मतलब अब वो पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो हमारी कोशिश है कि हम उनको पढ़ाई पर लगा रहे हैं, आगे क्या होगा, किसकी ज़िंदगी है किसकी नहीं है, हम हैं नहीं हैं कोई भी दुनिया का शख्स का किसी का पता नहीं चलता, क्योंकि मौत ये नहीं देखती कौन जवान है कौन बूढ़ा है, कौन शादीशुदा है कौन बगैर शादीशुदा है, कौन बच्चा है क्या है, कुछ नहीं देखती, इस वजह से ना उनका नसीब जाने अल्लाह पाक की ज़ात जाने, हमारा ईमान है, बाकी जो हमसे हो रहा है हम थोड़ा थोड़ा अपने लिए भी कर रहे हैं उनके लिए भी कर रहे हैं। ओके व्यूअर माशाल्लाह इधर जैसे पहुँचाऊँ थोड़ी थोड़ी मुझे गर्मी हुई पड़ी थी इस वजह से, यार यार अपनी हालत तो देख, रात हो गई अल्लाह के बंदे, किधर ये देख ये सारी मट्टी मट्टी, अब रात को कैसे सोओगे, हाँ इधर तो सो जाओगे, मट्टी कुछ नहीं बोलेगी। अच्छा अभी आया ट्यूशन से, इतनी लेट क्यों, हाँ जी चलें कोई ना, आज मैं दूध भी ले आया हूँ सारा सामान ले आया हूँ, ठीक है, ओके करो इधर दोनों, पंखा लगा दिया है, शोर तो आ रहा है लेकिन कोई नहीं अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। व्यूअर ये देखें माशाल्लाह, ओए ये इतनी थोड़ी क्यों बच गई यार, आपने भी ले ली, आपने भी ले ली, पक्की बात है, चलें जी मसाला खुल गया यार, अच्छा थोड़ा थोड़ा डालो, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा, ओ यार थोड़ा 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 थोड़ा, अच्छा कोई नहीं आ गया है तो कोई बात नहीं, हाँ जी बस बस यार बहुत है, ये ना इधर थोड़ा सा इधर बैठ दो, थोड़ा सा बस बस बस, ये बहुत वो हैवी होता है, इसको इसको थोड़ा थोड़ा डाल दो, ज़्यादा नहीं बहुत हैवी, बस बस बस, चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और खाते हैं, अगर आपने खाना हो हमारे साथ आके चिप्स खा सकते हैं, चल जी शुरू करो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
व्यूअर माशाल्लाह ये देखें जब ये मतलब अभी हम सोच रहे थे कि खाना नहीं पकाया है क्या बनेगा, अचानक से दरवाज़ा खटखटाया खटखटा और हमने जाकर देखा तो वाह आसपास से तो चावल आ गए, वो भी रिश्तेदार वाले। यार आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है, खाओगे आप? हाँ। मौजें करोगे? हाँ जी। कैसे पके हैं? पता नहीं। अच्छा चलें जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के शुरू करते हैं। तो वीवर माशाल्लाह हमने खाना वाना खा लिया है अल्लाह पाक के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने कल वादा किया था आपसे कि मैं आपके कमेंट्स ऐड करने वाला हूँ, लेकिन हुआ ये कि मोबाइल पे बहुत सारा काम आ पड़ा था तो फिर वो मैं करने लग गया और बिजी हो गया था और उधर वीडियो भी पूरी हो गई थी, तो उसके लिए कल के लिए माजरत। आज मैं जल्दी जल्दी से आपके कमेंट्स ऐड कर देता हूँ। और इसका एक और बात भी है कि अगर 40 मिनट की 50 मिनट की वीडियो बन जाए तो ये फिर आपने बर्दाश्त करना है, और मैं आज जो मैंने वीडियो पोस्ट की है उसी से ही स्टार्ट ले लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कैमरे की तरफ कम ही देखो क्योंकि लाइट की वजह से फिर मुझसे यहाँ कमेंट्स पढ़े नहीं जाते। ठीक हो गया, शुरू करते हैं जी। फौजिया अहमद ने लिखा है हाउस के बाहर क्लीन करो तो टू मच डर्ट्स आउटसाइड, मतलब वो बोलिया कि हाउस के बाहर क्लीन करो और बहुत सारे कचरा वगैरह पड़ा है तो इसकी थोड़ी सेटिंग मेटिंग करो, इंशाल्लाह ज़रूर होगी जी आपका हुक्म सर आँखों पर। इसके बाद जी हानी नाम की आईडी ऐसे से लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई ये बैटरी, वालेकुम अस्सलाम, ये बैटरी ऐसे नहीं रखते, नीचे से कोई वुड की टहनी मतलब कोई अजीब सा लिखा हुआ है, या जिसमें आप सामान लेकर आते थे ना बॉक्स उसे खोल के उस पर रखे नहीं तो ये ख़त्म हो जाती है जी। बिल्कुल उसकी मैं कल ही इंशाल्लाह सेटिंग कर दूंगा सिस्टर हानी सिस्टर आपका बहुत शुक्रिया। ऐशा फातिमा लिखती हैं वेरी नाइस वीडियो फ्रॉम इंडिया लखनऊ शहर से, थैंक यू सो मच जी अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। इसके बाद है जी गुज्जर बादशाह लिखते हैं अल्लाह करम करेगा गेट को कुंडी लगा के ताला डाल दो बच्चे सेफ हो जाएंगे इंशाल्लाह, आप तो व्लॉग में एकदम से डरा देते हो। थोड़ा थंबनेल मैं ऐसे ही अट्रैक्टिव बना देता हूँ क्योंकि जो फिर व्यूज़ है वो इनक्रीज़ हो जाते हैं, ये बात मैं अक्सर बोलता हूँ भाई थोड़ी सी अट्रैक्टिव चीज़ लगा देता हूँ तो व्यूज़ बढ़ जाते हैं फिर, इसलिए बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि इन साइडों पर मैं ना जाऊँ तो ठीक है। गुज्जर बादशाह का एक और कमेंट है वो लिखते हैं अपने अब्बू से इसको दम करवा लो ऐसी बातें बताना बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता, कहीं बच्चे को असरात ना हो जाए, अल्लाह करम करे आपकी फैमिली पे, आमीन। भाई गौर करना प्लीज़ बच्चे की हरकत और बातों पर जी, बिल्कुल वो बिल्कुल सेट है माशाल्लाह। वो असल में रोला ये है कि मैं किससे कहानियाँ सुनाता हूँ बच्चों को ना, ऐसे मैं शुरू से सुनाता आता हूँ किससे कहानियाँ, मैं थोड़ी सी सुनाता हूँ तो वो फिर वो भी मुझे किससे कहानियाँ सुनाते हैं, बाकी ऐसा ख़ास कोई मसला नहीं है। और माशाल्लाह दोनों बच्चे मेरे काफ़ी एक्टिव हैं इसके बारे में। तो दूसरा कमेंट भी वही है सेम, मतलब दो बार लिया गया, गुज्जर बादशाह थैंक यू सो मच जी आपका। माहर आफ्ताब लिखते हैं ये अम्मी के रूम में दूसरी खातून कौन है जो खड़ी है? वो अलीपुर में रहती हैं, उन वो यूं समझ लें कि उनका अब करने वाला कोई नहीं है, ना ही उनका कोई बेटा है, उनकी बेटी है ना, बेटियां हैं लेकिन उनके बेटे वगैरह नहीं, एक बेटी है, एक ही बेटी है उसकी उनकी, कि वो इधर आती हैं तकरीबन 6 महीने बाद 3 महीने बाद 4 महीने बाद वो आती है, तो यहाँ पर भाई लोग हम अब्बू अम्मी सब लोग ना उसकी हेल्प करते हैं और उन मतलब वो यहाँ पर गुजार भी लेती हैं और कुछ हेल्प भी हो जाती है उनकी, और वो समझ लें कि हमारी है रिश्तेदार, पता नहीं अबू की कोई वलमे सलमे कोई बहन है, पता नहीं किसी को इस तरह से कोई है ताल्लुक। इसके बाद जी ओमार आफ्ताब थैंक यू सो मच सिस्टर आपका। इसके बाद है जी नासिर अब्बासी होगा लेकिन इधर अदासी लिखा हुआ है, तो चाय आ गई है, चाय पीते हैं और साथ साथ आपके कमेंट्स भी ऐड करते जाएंगे। तो ये आ गई है जी चाय, ओ प्याला फुल, एक काम करो इसको ना थोड़ा ठंडा कर दो और ये इसको कम कर दो, थोड़ा इधर उधर दे दो, थोड़ा मुझे पहले इसको ठंडा करो, गर्म मैं नहीं पीता।
अच्छा जी, इसके बाद नासिर अब्बासी तकरीबन अदासी लिखा, लेकिन होगा अब्बासी भाई। आप भाइयों बाकियों की तरह ड्रामा करते हो भाई, आप क्यों बाकियों की तरह ड्रामा करते हो? बाकियों की तरह पता नहीं, भाइयों बाकियों की तरह ड्रामा करते हो, कौन सा ड्रामा है भाई? अल्लाह के बंदे देखो, या तो व्लॉग में वो बात ना हो, व्लॉग में वो क्लिप ना हो, व्लॉग में वो चीज़। और दूसरा, जो आज मैंने थंबनेल लगाया, उसके थंबनेल को आप डाउनलोड करें या वहाँ पर स्क्रीनशॉट लें, उसको थोड़ा जूम करें, जहाँ पर नीचे वाला फिक्रा लिखा हुआ है ना कि मुझे तो मार ही डाला था, शुक्र है कि ये एक जहाँ पर लिखा है उसके ऊपर देखे छोटा सा ख्वाब था लिखा खड़ा है, ठीक है, वो भी मैं चीज़ लिख के रखता हूँ। अल्लाह के बंदे, अब एक बंदा सीधा सदा चल रहा है तो कम अज़ कम उसको तो रहने दो। सैयदा मरियम लिखती हैं, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड व्लॉग, थैंक यू सो मच जी। इसके बाद है यास्मीन खान, फर्स्ट कमेंट सिस्टर, हाँ जी आपका फर्स्ट कमेंट मैंने पिन भी कर दिया था। ऐशा फातिमा, वेरी नाइस वीडियो फ्राम इंडिया लखनऊ, से पहले ही मतलब ये जो मुतवातर है मेरे पास कमेंट्स करते रहते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। इसके बाद है जी हुसाई अचक, पता नहीं कुछ इस तरह से, मतलब रला हुआ है नाम ना, बिल्कुल मिला हुआ है। चले मैं इसका नाम भी पढ़ लूँ फिर आपसे बात करता हूँ। चाय वगैरह मैंने पी ली है माशाल्लाह, तो हुसाई मतलब पूरा लफ्ज़ नहीं है, देखे भाई अब नाम पता नहीं क्या है, मैं पढ़ता हूँ हुसाई अचक, मतलब इस तरह का कोई नाम है। प्लीज़ पेंट योर रूम विंडोज़ ब्राउन, वो बोल रहा है कि अपने घर को ना कलर कर दो और इसके बाद विंडो को ब्राउन कर दो। अच्छा जी, थैंक यू सो मच जी। अब नाम मैं दोबारा कैसे पढ़ूँ? इसके बाद जी आमिर लिखते हैं, माशाल्लाह जानी आपके व्लॉग में कॉमेडी होती है और मूड फ्रेश हो जाता है। आमिर भाई थैंक यू सो मच जी, लाला अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे। और इसके बाद है जी रेणो तनेजा, नाइस व्लॉग, लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू सो मच जी। यास्मीन खान लिखते हैं, आज आपने कमेंट्स नहीं पढ़े जो मौसम के बारे में आपने कहा था सबको, भाभी गोभी में टमाटर नहीं डालें, डालते हरी मेथी और हरा धनिया, फिर बहुत मज़े की बनेगी, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो कमेंट्स मैंने इसलिए नहीं पढ़े, मैंने शुरू में वजह बता दी। और दूसरा ये है कि ये जो मेथी आप बोल रही हैं ना, ये आपका भाई दूर किसी घर में भी पकी हो ना तो मुझे पता चल जाता है कि इस घर में ना मेथी डली हुई है, आपने वहाँ से कोई चीज़ नहीं लेके आनी मेरे लिए, मैं नहीं खाता बिल्कुल भी। उसका एक रीज़न है, छोटा सा मैं बता दूँ, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुआ था एक दफ़ा, इस कदर बहुत ज़्यादा बीमार, और मुझे बोलते थे कि लक्कड़ जा रही है सड़क पे, इतना बीमार हुआ था, बिल्कुल सूख गया था, मरने के करीब था, अल्लाह का शुक्र है बच गया, पता नहीं क्यों। खैर उस टाइम ना मैं साग बनाते हैं, आपको पता है विलेज में ना साग बनाते हैं, साग बनाया हुआ था, उसमें ना वो आपको पता है मेथरा जो होता है, मेथा और मेथी होता है या मेथा होता है, उसकी टहनियाँ होती, मतलब उसकी जो जड़ें होती हैं जिस पर वो तना होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, उसकी लकड़ वैसे भी थोड़ी हार्ड होती है, तो वो मैं खा रहा था, मुझे अचानक से ना गले में वो अटक गई, ऐसी अटकी कि उसका जायका तकरीबन रात पूरी मैं उसकी ट्राई करता रहा ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उसका जायका ऐसे गले में पड़ा ना कि बस ज़िंदगी भर छूट ही गई वो, अब मतलब मैं नहीं खाता, मुझे अच्छी नहीं लगती, वजह कुछ ये है। इसके बाद जी मलाइका लिखती हैं, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच जी। सीमा कमर लिखती हैं, अलजन्नत मेहंदी लाहौर में किस जगह से मिलेगी, मुझे बहुत पसंद है, जल्दी बताएं प्लीज़। अब मुझे लाहौर का तो नहीं पता कि लाहौर में किस जगह पे मिलेगी, किसी भी मतलब कॉस्मेटिक्स की शॉप से मिल सकती है आपको, और जिसे हम आम लैंग्वेज में जनरल स्टोर भी बोलते हैं, किसी शॉपिंग मॉल पे भी आपको मिल सकती है जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, शैम्पू ये क्रीमें पाउडर ये सारी चीज़ें जहाँ पर होती हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये मिल सकती है।
और यहाँ तक कि ये किसी पंसार की शॉप से भी मिल सकती है, हल जन्नत की वो पुड़ियाँ उनके पास होती हैं। ठीक है जी, बाकी मुझे नहीं पता मिलेगी कहाँ, लाहौर में ना कहाँ पर मिलेगी मुझे नहीं पता। तो इसके बाद है जी अलमास बलोच माशाल्लाह, और थैंक यू सो मच। इसके बाद जी आमना बीबी नासिर, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो, वाह जी वाह, थैंक यू सो मच जी। इसके बाद जी है दीन नेटवर्क, वो उन्होंने दिल भेजे हैं, थैंक यू सो मच जी। आमना बीबी नासिर लिखती है शॉपिंग बहुत अच्छी थी, वाह जी वाह, थैंक यू सो मच। एम आर एस बी खान, मतलब मिस्टर एस बी खान लिखते हैं माशाल्लाह वेरी गुड वेरी नाइस शॉपिंग, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। कुक विद फरा लिखती हैं आई लाइक द नेम चक्की, मतलब वो जो कल मैं प्याज वगैरह काटने वाली, टमाटर वगैरह काटने वाली जो चक्की थी, अब मैं उसका नाम नहीं जानता, मैं चक्की ही बोलूँगा, उसके बारे में बोल रही हैं कि आई लाइक द नेम चक्की, मतलब मुझे ये नाम बहुत पसंद है आया चक्की वाला, थैंक यू सो मच। वैसे भी वो चक्की है जैसे गंदम के दानों से आटा बना देती है ना चक्की, ये भी तो कचूबर बना के रख देती है, ये बिल्कुल है भी वैसे चक्की का डिज़ाइन है, ऊपर उसका जो कॉपर है वो भी चक्की की तरह बना हुआ है, उसमें डालते जाओ प्याज टमाटर मिर्चे और इधर से उसको घुमाते जाओ और नीचे आटा आपका तैयार हो रहा है। ठीक है जी, इसके बाद है करीम खत्री, लिखते हैं अपनी बीवी के ड्रेस का रेट बताएं फ्रॉम इंडिया। असल में वो मुकम्मल ड्रेस नहीं था, वो बस यूं समझ लें कि जो कट पीस नहीं होते जैसे, वैसा कपड़ा लिया था, कोई पूरा सूट नहीं था कि हम उसकी कीमत बताएं। वैसे उसकी कीमत यही होगी 500, 400, 500, 1000, 1000, वैसे तो वो 2500, 3000 के मिलते हैं, लेकिन वो माशाल्लाह 1000 का था उसकी कीमत ये थी। अच्छा, हम ऐसे क्यों बोलें कि हाँ जी हमारी चीज़ ये है वो है फलां है वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है। इसके बाद है जी सैयदा मरियम लिखती हैं वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह गुड व्लॉग, थैंक यू सो मच सिस्टर। इकबाल गुजर लिखते हैं आपके हालात जैसे भी हैं मगर यकीन करें लाखों लोग आप जैसी ज़िंदगी गुजारने को भी तरस रहे हैं, हर वक्त अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करते रहें। जी बिल्कुल, आपने 100% सच बोला है, आई एग्री विद यू, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, जहाँ भी रहें हंसते और मुस्कुराते रहें, और हमेशा वाकई ही में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जैसी हमारी लाइफ है ऐसी लाइफ जीने के लिए भी बहुत सारे लोग तरस रहे हैं। इसके बाद जी आफ्ताब मलिक, बहुत अच्छी शॉपिंग दोनों की, मैं दोनों नाराज़ नहीं कर सकती, एक बहन है एक भाई है, बहन को भाई बहन को क्यों बुरा भला बुरा बोलूं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, सूट बहुत अच्छा है। जी ये होती है आपकी मोहब्बत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, ना ही आप उधर उस साइड पे गई ना ही उस साइड पे भी, आपने दोनों के लिए अच्छा फैसला लिया है और अच्छा बोला है, आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। इसके बाद है जी ऐशा फातिमा लिखती हैं वेरी नाइस वीडियो फ्रॉम इंडिया लखनऊ से, तो ये अच्छा नूर मेमन, हाँ नूर मेमन, हाँ कराची में मेमन रहते हैं, ये कौम है, उन्होंने कहा कि विंडो बनाने का क्या फ़ायदा जब उसके आगे अलमारी रख दी, असल में वो भी रखनी ज़रूरी थी और अलमारी भी रखना ज़रूरी थी। इसके बाद जी नासिर अदासी दिल भेजा है और सैयदा मरियम वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह गुड व्लॉग, थैंक यू सो मच जी। अब बढ़ गए हैं जी आगे, उस पे पहुंच चुके हैं, मुझे लगता है कि जिस पे मैंने मौसम का पूछा था वहां पर हम पहुंच चुके हैं, तो अभी स्टार्ट लेते हैं और आपको उसी, वो है एक साल बाद वाइफ की बहन और अम्मी आई लेकिन बिना खाना खाए वापस चले गए, वहां से शुरू करते हैं जी। मिस्टर मलिक लिखते हैं आप बहुत अच्छे हैं, सबके काम आते हैं। जी अल्लाह पाक ने फुर्सत दी हुई है, मतलब जो हमारे बस का काम होता है तो भाई है हम तो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कभी गरूर भी नहीं किया, और अल्लाह पाक से दुआ है कि हमेशा किसी के काम आते रहे ना कि कोई हमारे काम आए, ये हमेशा दुआ करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक देने वाला बनाए लेने वाला ना बनाए। ठीक है जी, इसके बाद जी मलाइका लिखती है क्वेटा का मौसम ज़बरदस्त है भाई माशाल्लाह, वैसे भी क्वेटा का मौसम वाकई में उधर बर्फ़बारी भी पड़ती है, और थैंक यू सो मच सिस्टर, मोहब्बत है आपकी। मलाइका लिखती है अच्छा ये सबा की नानी और खाला है क्या जो आपके घर आई है? जी नहीं, ये इधर के साथ फैमिली वाले हैं, फैमिली व्लॉगर हैं,
तो वो आए थे, काफ़ी दिन बाद इधर आए हैं, तो उन्होंने कहा हम वीडियोस वगैरह भी आपके साथ बना लेंगे और गपशप भी हो जाएगी। यूँ समझ लें कि हम साए हैं हमारे। ये जो राशिद, मैंने उनकी वीडियो कल भी शायद बोला था, ये जो राशिद वाले बैठे हैं ना, क्या नाम है, नबीला राशिद, तो उनके घर के साथ वाला घर उन्हीं का है। ठीक हो गया जी। इसके बाद जी आगे बढ़ते हैं। आफ्ताब मलिक लिखते हैं, मेरे लिए दुआ करवाएं, मुझे अल्लाह अपना घर दें और उमरा करा दे, फिर चाहे मौत आ जाए। देखें, मौत तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। इंशाल्लाह हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, आपका उमरा भी हो जाएगा और आपका अपना घर भी बन जाएगा। और घर बनाने के लिए एक छोटा सा मशवरा दूँ आपको, वैसे मेरा ज़ाती मशवरा है, ये नहीं है कि मैं आपको मजबूर कर रहा हूँ या किसी किस्म को। अगर आप किसी सिटी में रहते हैं तो आप कोशिश करें कि सिटी के आसपास थोड़ा सा, मतलब साइड पे, वहाँ पर जाकर देखें जहाँ पर साफ़ सुथरी जगह हो, जैसे विलेज होते हैं, गांव होते हैं, मतलब शहर से थोड़ा करीब जैसे पड़ जाते हैं, तो वहाँ पर अगर जाकर आप कोई ज़मीन वगैरह देख लें, जहाँ पर मतलब शहर में आपको अगर 5 लाख रुपये मरला पड़ रहा है, तो किसी देहात में आपको उसी 5 लाख में एक कनाल मिल सकती है, उसी 5 लाख में आपको अपना आधा बीघा भी मिल सकता है, मतलब जैसे एकड़ का चौथा हिस्सा, ठीक है, तो वो भी आपको मिल सकता है। तो उधर मैं एज ए मशवरा बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसे सोचो अल्लाह पाक आपकी उमरा भी कराएंगे इंशाल्लाह और आपको अपना घर भी मिलेगा। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ है। आफ्ताब मलिक लिखते हैं, रात को ठंडी हवा, दोपहर को गर्मी, सक्कर में लोड शेडिंग भी बहुत है। रात को ठंडी हवा, हाँ जी, रात को बिल्कुल ठंडी हवा होती है और दोपहर को गर्मी, और इधर भी वैसे का वैसा ही हाल है, बिल्कुल बराबर। और यहाँ पर माशाल्लाह लोड शेडिंग यूँ समझ लें कि तकरीबन 95% है, 95%, मतलब बहुत कम जाती है, बहुत कम। आफ्ताब मलिक लिखते हैं, जी भाई शहद भाई के बेटे की तबीयत कैसी है, अल्लाह उसकी मदद और बच्चे की तबीयत ठीक करे, आमीन आमीन। जी अभी अभी थोड़ी सी मुझे खबर मिली है, मेरी वाइफ बता रही थी कि उनका जो है ना मसला, वो हार्ट, दिल की एक नस है, मतलब हम अपनी ज़बानों से राग बोलते हैं, एक नस है, ये जो होती है रगें, तो वो बोल रहे हैं कि एक बहुत बारीक है, उसका कोर्स होगा 3 महीने का, अगर वो सही हो गई ठीक, नहीं तो फिर अगले 3 महीने मज़ीद कोर्स होगा उसका, और अगर वो, या फिर 3 महीने कोर्स होगा, अगर वो सेट हो गई ठीक, नहीं तो उसके बाद फिर उसका ऑपरेशन होगा और उसमें कोई खासा हाल नहीं है। तो उनकी तबीयत कुछ यूँ है, हम सब दुआ करते हैं उनके लिए, अल्लाह पाक को उनके बेटे को जल्द से जल्द सेहत दे, और अल्लाह पाक के नज़दीक कुछ भी नहीं है, चाहे जितनी भी बीमारियाँ हैं, जो भी चीज़ है, उसने दुआ सुन ली, अगर उसने फरमा दिया कि इसकी तबीयत ठीक होनी है, तो वो 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, चाहे जितनी भी बीमारियां क्यों ना हो, अल्लाह पाक से दुआ कीजिएगा। बस ये कुछ पोजीशन है उनके बेटे की। तो जाम अलाउद्दीन अंसारी लिखते हैं, वेरी गुड, थैंक यू सो मच जी, ये भी इंडिया से हैं। टीम मंदवानी लिखते हैं, वाह भाई मुछा टाप दिया, अच्छा मेरी मूछों की बात हो रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू टीम मंदवानी, थैंक यू। इसके बाद माहर आफ्ताब लिखते हैं, जी माशाल्लाह से देख क्यूट बेबी, माहर आफ्ताब की ये वही आईडी है ना जब मैं स्टोरियां बनाता था, माहर, वो भी माहर के नाम से थी, ये वही है माहर आफ्ताब, लेकिन वो और था कोई, है ना। अच्छा वीवर, तो वो थी आईडी माहर आफ्ताब नहीं थी, वो थी मोहसिन गुजर के नाम से, तो वो माशाल्लाह इब्राहिम के लिए ना बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी उनके दिल में, वो भी एक सिस्टर थी, और मुझे याद आ गया ये माहर वाली जो आइडिया मैंने सजेस्ट है, शायद वही है। लिखते हैं माहर आफ्ताब लिखते हैं, माशाल्लाह सिद्दीक क्यूट बेबी, थैंक यू सो मच जी। सीमा कमर लिखती हैं, डाइट बोतल दिया करे शुगर पेशेंट को, डाइट पता नहीं कौन सी होती है, अब हमारे यहाँ तो नहीं मिलती। इसके बाद है अलमास बलोच, आमीन, थैंक यू सो मच जी अलमास बलोच, दुआ, थैंक यू सो मच जी अलमास बलोच इंडिया, थैंक यू सो मच जी। और जैन रिंद बलोच सिंध का मौसम गर्म है, हम करीब करीब ही रहते हैं,
मतलब सात का बाद से आगे सेंस स्टार्ट हो जाते हैं और हमारा इधर सात का बाद से इधर हमारी साइड पे पैर, मतलब थोड़ा सा सफ़र बैठता है, इतना ज़्यादा नहीं है। इसके बाद जी थैंक यू सो मच जी। इसके बाद है जी यास्मीन खान लिखते हैं, कराची का मौसम अच्छा है, दिन में गर्मी है लेकिन रात को ठंड हो जाती है, पंखा को कम करना पड़ता है जी। और मेरी फैमिली माशाल्लाह जी अंदर चली गई है और मैं बाहर पंखे को थोड़ी ज़्यादा स्पीड लगा के बाहर सुकून से सो जाता हूँ। यास्मीन खान लिखती हैं, अगर सब ने लिख दिया हमारे यहाँ मौसम ऐसा है तो आपका पूरा व्लॉग ख़त्म हो जाएगा। व्लॉग सब ने जितना लोगों ने लिखा है तो वो भी पढ़ते 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 मुझे लगता है कि काफ़ी वीडियो लंबी होने वाली है। इसके बाद हानी लिखती हैं, भाई हमने आपको कमेंट किया था कि आप और भाभी जान दोनों मेरे लिए दुआ करें कि हम कामयाब हो जाएं, डॉक्टर बन जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो सिस्टर आप ज़रूर डॉक्टर बन जाएंगे और हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ। लेकिन एक चीज़ है कि जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो पहले तो हम दुआ करते हैं कि हमें कोई बीमारी ना हो, अगर बीमारी होगी फिर आपने हमारा फ्री इलाज करना है, ठीक है। और पहले तो दुआ करनी चाहिए किसी छोटी मोटी भी बीमारी इंसान को ना हो। और उसके बाद हम इसके इस उम्मीद से आपके लिए दुआ कर रही है कि जिस तरह से आज का ट्रेंड चल पड़ा है गरीबों को लूटने वाला, तो आप वैसा नहीं करेंगे, ईमानदारी के साथ काम करेंगे। और पता है डॉक्टर का जो शोभा है, अल्लाह पाक मैं तो कहता हूँ हर किसी को नसीब करे, ये इंसानों की खिदमत के लिए है, ये बंद अल्लाह पाक चुन लेता है कि यार ये बंदा इंसान को खिदमत करेगा, तो वो जब फिर इंसानों का खून चूसता है तो इसका हिसाब देना भी बहुत मुश्किल है। देखें आप खर्चा देखें, मेडिसिन वगैरह देखें, उसके हिसाब से कम जितना हो सके गरीबों की हेल्प करें तो इंशाल्लाह दुनिया भी बन जाएगी और आपकी आखिरत भी बन जाएगी। हम इस उम्मीद से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको डॉक्टर बनाए और बच्चों और बुज़ुर्गों बच्चों और गरीबों का एहसास करने वाला बनाए। आमीन सुम आमीन। और हमारा इलाज फ्री, याद रखिएगा। इसके बाद है जी मिस्टर एस बी खान लिखते हैं, माशाल्लाह ब्यूटीफुल व्लॉग, आई लव थ्री। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। हानी लिखती हैं, अल्लाह आपकी हर टेंशन दूर करे, आमीन। हमारे शक्कर में सेम आपके जैसा मौसम है, बट हम एसी में होते हैं, बाहर नहीं जाते तो ज़्यादा पता नहीं है। अल्लाह आपको अपने शहजादों के साथ खुश रखे, हमेशा मुस्कुराते रहें, आमीन आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन। और यही जो दुआएं आपने हमारे हक में की हैं, इससे थोड़ा सा रद्दोबदल करके अल्लाह पाक आपके हक में भी कबूल फरमाए। रद्दोबदल इसलिए कि आपने दुआ दी है मुझे मेरे शहजादों के साथ, आप क्या पता आपके शहजादे हैं नहीं हैं, तो फिर रद्दोबदल करके आपके हक में अल्लाह पाक दुआ कबूल मकबूल फरमाए। अच्छा जी, ये है जी सरिता राजपूत, वो लिखते हैं, सब्बा तुम्हारी वाइफ के रिश्ते में क्या लगती है? वो है जी भांजी और ये उसकी खाला है। सब्बा इनकी वाइफ की बहन की बेटी और मुहैद्दीन की भाभी भी लगती है। अच्छा अच्छा, वो रिप्लाई किया हुआ है। इसके बाद जी अल्ताफ़ विलेज फूड लिखते हैं, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और वो जो वीडियो थी तकरीबन मैंने उनके सारे कमेंट्स वगैरह ऐड कर दिए हैं। अब वीडियो भी बहुत लंबी हो गई और मैं भी थोड़ा थोड़ा थक गया हूँ, और वो जो दूसरा मोबाइल है उसकी बैटरी भी काफ़ी कम है और इधर टाइम हो गया है 8:30। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट रखिएगा दो में। या तो अगर किसी का मैंने थोड़ा सा गलत मतलब जवाब दिया हो तो माजरत करता हूँ। अभी मिलेंगे फिर कल इंशाल्लाह। ओके, हो गया, अल्लाह हाफिज़।